अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक पैकेज यूनिट के SKM का ये पैकेज यूनिट है और एक पैकेज यूनिट के सेंसर कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं और फायर इंटरलॉकिंग के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और मूड बस के कनेक्शन कैसे होते हैं। तो इंटरनली इसमें DP स्विच और सप्लाई एंड रिटर्न DP स्विच सब इसमें लगा हुआ ही होता है, इंटरनली वो कनेक्ट होता है। तो हमें जो काम पैकेज यूनिट जब नया आता है तो हमें जो काम करना पड़ता है तो इसके पावर कनेक्शन होते हैं और फिर इसके जो है ना हमें सप्लाई और ह्यूमिडिटी टेम्परेचर वगैरह ये हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, बाकी इंटरनली सब कनेक्शन इसमें होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि सप्लाई टेम्परेचर को हमने कितना दूर लगाया और रिटर्न को कितना दूर इंस्टॉल किया। तो देख लेते हैं, ये पैकेज यूनिट है, ये इसकी डक्टिंग है। तो ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं तो ये हमारा रिटर्न टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है, सीमिस का ये सेंसर है और इसके कैटलॉग पे इस पर कनेक्शन लिखे होते हैं। इसमें 24 वोल्ट पे चलता है ये और ये रिटर्न टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, इसमें दो सेंसर है। इस तरह ये ऊपर में सप्लाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है। तो ये हमने थोड़ा ही बस मोड से थोड़ा ही आगे हमने इंस्टॉल किया है। तो ये दोनों इंस्टॉल हो गए। अब हम लोग इसके कनेक्शन देख लेते हैं कि इसके कंट्रोल पैनल में इसके कनेक्शन कैसे होंगे, तो वो कैसे हमें ये कनेक्ट करना पड़ेगा वहाँ पे। तो इसके कंट्रोल में चलते हैं हम लोग और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे भी इसका एक ये शेड्यूल लगा हुआ है कैटलॉग। तो इस शेड्यूल में हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे सप्लाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो ये देख सकते हैं हम लोग कि ये डक्ट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी फॉर सप्लाई, ये देख, और ये डक्ट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी फॉर रिटर्न। और इसमें कैसे होगा, ये 25, 26 में सप्लाई, 25 और 25 में ये RH जो लिखा हुआ है ये ह्यूमिडिटी होगा और ये जो TEMP लिखा हुआ है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर होगा 26 में। तो इस तरह से ये रिटर्न का भी ऐसा ही है। ये देखो डक्ट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी फॉर रिटर्न, इसका भी 27 ये इसकी ह्यूमिडिटी है और 28 इसका टेम्परेचर। ये देख लेते हैं फिर इसका हम लोग जहाँ पे कनेक्ट हुए हैं वहाँ पे देखें। उसके बाद में ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2 में इसका फायर अलार्म इंटरलॉक है, ये देखो VFC फॉर फायर अलार्म इंटरलॉक, 3, 4 इसका स्पेयर है और ये है मोड बस के लिए टर्मिनल फॉर मोड बस। तो ये मोड बस का टर्मिनल है 5 और 6, ये जो हमें कनेक्ट करना पड़ता है क्योंकि बाकी चीज़ें इसमें इंटरनली सब कनेक्ट है। तो हम लोग ये देख लिया, अब हम इसके कनेक्शन देख लेते हैं। तो वो जो 1, 2, 3, 4 देखा तो ये है, 1, 2 में फायर इंटरलॉक के लिए ये डिवाइस लगाई है इन्होंने फायर की और ये रिले लगी है NONC की। तो यहाँ पे ये फायर इंटरलॉक 1, 2 में, 3, 4 इसका स्पेयर है और ये हमारी मोड बस कनेक्ट है 5 और 6 में जो कि हम लोग BMS PC से चलाते हैं। तो यहाँ पे मोड बस हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी 5 और 6 में और 1, 2 में इसका फायर अलार्म इंटरलॉक और 26, 27, 28 ये जो 25, 26, 27, 28 तो ये हमने ये सारे सेंसर हमने 25, 26, 27, 28 ये सब सेंसर हमने कनेक्ट किए हैं। तो इसकी जो ज़ीरो वायर है वो हमने कनेक्ट कर ली ये ज़ीरो में। तो इसके जो 24 वोल्ट हैं ये 3 में हमने कनेक्ट कर लिए। तो
तो इस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी इसके पावर कनेक्शन यहाँ पे, ये इसका पावर कनेक्शन है। बाकी इंटरनली सब इसमें कनेक्ट है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।